हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग रोटरी हैमर ड्रिल मशीन के कार्बन कैसे चेंज कर सकते हैं और ये चेंज करना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये है हमारी रोटरी हैमर ड्रिल मशीन। बेसिकली रोटरी हैमर ड्रिल मशीन तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला तो ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये पार्ट हो गया, और जो तीसरा पार्ट है वो ये वाला है, ये जो आपको पीछे वाला दिख रहा है। तो कार्बन ब्रश चेंज करने के लिए हमें ये वाला पार्ट खोलना है। और एक बात कि 99% ड्रिल मशीन आपको ऐसी ही मिलेंगी जिसमें कार्बन ब्रश यहाँ पे लगे रहते हैं और यही आपको एक काला पोर्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको तीन स्क्रू दिखेंगे। तो सबसे पहले हम इन स्क्रू को खोल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने स्क्रू खोल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ऐसे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे कार्बन ब्रश एक तो ये यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है, हमें इनको चेंज करना है। आप डायरेक्टली इनको नहीं निकाल सकते, थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप इसको बाहर निकाल लीजिए। अब इस पोर्शन को कैसे बाहर निकालते हैं, देखिए आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट दिख रहा है, देखिए मैं घुमाऊँगा तो आपको क्लियर होगा, ये वाला ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पर एक स्टिक टाइप की दिख रही है रेड कलर की, और यहाँ पर एक स्टिक टाइप की दिख रही है, तो मैं इसको घुमाऊँगा, ये देखिए। तो ये दोनों तरफ आप फिट कर सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। दूसरी बात कि इसमें दो स्प्रिंग लगी हुई हैं, एक तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है और एक ये। तो ये जो स्प्रिंग है इसको टेंशन देती है जिसके कारण ये टाइट यहाँ पे लगा रहता है। तो आपको खोलने के लिए क्या करना है, ये जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है 1 और 2, इसको आपको बीच में लेके आना। ये देखिए हाथ से पकड़ने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये मैं बीच में लेके आया। अब आपको ऊपर खींचना है, थोड़ा हो सकता है आपको ताकत लगाना पड़े, बट ये अब ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये मैं ऊपर निकाल रहा हूँ और ये ऊपर अब आ चुका है। ये देखिए ये दोनों कार्बन ब्रश मेरे अब निकल के आ चुके हैं। उप्स, अब ये वाला पार्ट हमारा बाहर आ चुका है। अब हम करेंगे इसे कार्बन ब्रश चेंज। तो ये थोड़ा जरा मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये हमारे कार्बन ब्रश हो गए दो, और ये दो स्प्रिंग है, ये देखिए दोनों पे मैंने उंगलियां रखी हैं। ये दो स्प्रिंग टेंशन देती हैं जिससे ये जो सर्कल है अपनी जगह से नहीं हिलता है, बिल्कुल टाइट लगा रहता है। अब कार्बन ब्रश कैसे निकालना है, देखिए ये जो स्प्रिंग है इसको आप निकालिए, मैं इसको निकालता हूँ। ये मैंने यहाँ निकाल के इसको यहाँ पर सेट कर दिया ताकि हमारा कार्बन ब्रश निकल जाए, और अब मैं ये वाली स्प्रिंग निकाल लेता हूँ। और ये जो वायर है जो यहाँ पे अटैच है, देखिए होपफुली आपको दिख रहा होगा, ये जरा मैं इसको खींच के निकाल लेता हूँ। ये मेरा कार्बन ब्रश बाहर आ गया, और अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये वायर बाहर आ चुका है और ये मेरा कार्बन ब्रश निकल चुका है। तो इस प्रकार से आप रोटरी हैमर मशीन के बड़े ही आराम से कार्बन ब्रश बाहर निकाल सकते हैं और खुद चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये कार्बन ब्रश किसी भी लोकल टूल शॉप में बड़े ही आराम से अवेलेबल है। ऑनलाइन तो खैर मिल ही जाएंगे, ऑफलाइन भी बड़े इजीली मिल जाते हैं। चलिए अब हम इसको वापस से करते हैं फिट। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन ब्रश लगाऊंगा, अंदर इंसर्ट किया और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ये हमने कार्बन ब्रश लगा दिए हैं। लगाना बहुत ही सिंपल है, आप इसको यहाँ पे ऐसे रखिए, पीछे की तरफ से मत रखिएगा, इस तरफ से ही रखिएगा। इसको ऐसा रखा, ये देखिए एक बार मैं और आपको दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट आप इसको ऐसे यहाँ पे रखिए और ये फिर अपने आप अंदर ऐसे चले जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्प्रिंग है, इसको आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर लगाना है। एक तो ये ऑलरेडी दिख रहा है आपको, मेरी ये लग चुकी है ये, मगर ये वाली जो स्प्रिंग है ये बाहर है, इसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर लगाता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस से काम करेंगे, आपका आराम से काम हो जाएगा। ये देखिए मेरी ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग आ चुकी है, अब हम इसको नीचे फिट कर देंगे। ये हो गया फिट। अब मैंने बताया था एक यहाँ पे पॉइंट देकर रखा है, एक यहाँ पे पॉइंट देकर रखा है, और इसके अंदर ब्रैकेट रहता है। आप कहीं भी इसको अटका सकते हैं, यहाँ पे भी अटका सकते हैं या फिर यहाँ पे भी अटका सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरे कार्बन ब्रश हो चुके हैं अच्छी तरीके से फिट। अब हम लगा लेते हैं इसमें स्क्रू।
तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितनी आसानी से हमारी इस रोटरी हैमर ड्रिल मशीन के कार्बन ब्रश चेंज किए हैं। इसको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। और यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।